आपकी जो होम डिलीवरी वो फ्री रहेगी, हमारा जो टेक्नीशियन साथ में जाएगा और खेत फार्मर के जो खेत में जाके उसको चला के दिखाएगा, एक एक चीज समझाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MF फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है BCS कंपनी के 730 मॉडल के पावर टिलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको एक पावर टिलर की नीड है तो बहुत ही शानदार और जानदार पावर टिलर है। जी हाँ दोस्तों, होंडा के इंजन के साथ आने वाला ये पावर टिलर है और इसके फंक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिए गए हैं और आपके इसके साथ जो है आप काफ़ी सारी अटैचमेंट जो है अटैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग का स्विच है, इसको दबाना पड़ता पहले। तो स्टार्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसको दबाना पड़ेगा ताकि जो सारी मशीनरी वो फ्री हो जाए। ठीक है, दबाने के बाद यहाँ से यहाँ पर तेल डालने के लिए कितने लीटर का ये? ये 4.5 लीटर के करीब इसमें आ जाता है। 4.5 लीटर के करीब इसमें पेट्रोल आ जाता है। और यहाँ पे इसका साइलेंसर देख सकते हो, काफ़ी शानदार आवाज़ बनाने के लिए DHT होंडा का इंजन है और 7 हॉर्सपावर का। बाकी जो इसकी लुक है बहुत शानदार लग रही है। यहाँ पर जो सिल्वर कलर है और ऊपर नीला कलर है। अच्छा, और भी रखना चाहिए तो पल्टी करके ना, ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करके दिखाया हमने, ये इसका गियर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो रोटरी चलाने के लिए जो PTO बोल सकते हैं हम इसको, आगे करेंगे इसको रोटरी गियर लग जाता है, पीछे करेंगे रोटरी गियर निकल जाता है। ठीक है, और ये किस लिए है? ये मतलब इंजन का गियर है, इंजन के चाल को कंट्रोल करने के लिए गियर है। ये पहला गियर है। ठीक है, और ये दूसरा गियर है, यहाँ पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है। कहाँ से छोड़ने हैं गलत हो? अच्छा, ये किस लिए है? तो ये इसका रिवर्स का गियर है और ये है ना व्हील को, एक व्हील चलेगा, दोनों को ये सेट कर देगा। अब ये तो दोनों व्हील चलेंगे एक साथ। नहीं, इस तरह गाड़ी में नहीं होता डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल सिस्टम है इसके अंदर, तो दोनों व्हील को लॉक कर देता है। इसको गियर पहला लगाएं, दूसरा लगाएं या तीसरा लगाएं? जल्द दबा के ये आगे चल रहा है, जल्द दबाएंगे इसको, अगर पीछे कर देंगे तो ये पीछे चलेगा, वही स्पीड रहेगी इसकी। इस तरह हम दूसरा गियर लगाएंगे, दूसरा गियर है, अब ये चलेगा ऐसे, अगर इसको ऐसे कर देंगे ये सीधा चलेगा। अगर साथ में हमें इसका जो हैंडल है, आदमी अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। जिस तरह ये नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, ये लोग लग जाता है यहाँ पे। एडजस्टेबल हैंडल है इसका। ये मैंने कितनी गहराई लेंगे? लगाइए गियर, इसका गियर लगा, जितनी रेस नहीं उतना है। BCS के 730 मॉडल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पावर टिलर ईख, बाड़ी और बागों में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। ये मेड इन इटली, इटली का बना हुआ प्रोडक्ट है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, इसको जंग नहीं लगता इतना जल्दी, और क्वालिटी दी बेस्ट है।
ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टॉप क्वालिटी है ये होंडा का। इसके अंदर 8 HP का इंजन है और हरियाणा के अंदर अगर बात करें इसका जो 1,36,000 रुपये रेट है और उसके ऊपर GST है 12%। सब्सिडी जो मिलेगी 1,36,000 के ऊपर मिलेगी। हॉर्टिकल्चर में इसमें ये महिला और SC कैंडिडेट को 50% है और जनरल को 40% है। अभी चल रही है सब्सिडी? हाँ, बजट आता रहता है हर साल। हाँ, अगर अभी बात करें तो इसका जो टोटल कॉस्ट जो बिल कटता है वो 1,52,320 रुपये का बिल कटता है इसका। अगर इसके अटैचमेंट की बात करें, ये बेड भी बना देगा, इसको रिपर भी लग जाते हैं, वाटर पंप भी है, स्प्रे पंप भी, मल्टीपर्पज है, इसकी ट्रॉली भी बन जाती है, बिजाई मशीन लग जाती है इसको, और तरफाला है, हर तरह की इसमें अटैचमेंट आसानी से लग जाती हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो A2Z एग्रोटेक जींद में भिवानी रोड पर है, यहाँ आप आइए, आपकी जो होम डिलीवरी वो फ्री रहेगी, हमारा जो टेक्नीशियन साथ में जाएगा, अब खेत फार्मर के जो खेत में जाके उसको चला के दिखाएगा, एक एक चीज़ समझाएगा। 6 महीने की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है इसमें। एक लीटर में कितने एवरेज देता है ये? 1 घंटे में करीबन 700 ml तेल खाता है, फिर वो लोड के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है। इसके टायरों को हाँ, टायरों को इसके एडजस्टेबल है ये, इसको इतना हटा के इतना भी कर सकते हैं, ये 18 इंच भी कर सकते हैं, इसकी जो टोटल चौड़ाई वो 26 इंच है। अपने हाँ, अब टायर को पल्टी कर देंगे तो बिल्कुल इसके साथ में लग जाएंगे, 18 इंच का हो जाएगा ये।